बहुत भाग्य से हम सभी के जीवन में आया है। हमें देश के लिए नव संकल्प लेना है, खुद को नई ऊर्जा से भरना है। रामलीला से श्री राम लल्ला का स्वागत। दुनिया भर से आए कलाकार। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के लिए योगी सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। दिव्य नगरी में भव्य कार्यक्रम के गवाह बनने के वालों को अयोध्या में त्रेतायु युग जैसा एहसास होगा। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों और मंत्रियों को खास निर्देश देते हुए कहा कि अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयारियां उतनी ही भव्य होनी चाहिए जितनी रामायण काल में हुआ करती थी। सीएम योगी चाहते हैं कि जब भगवान श्री राम अपने महल में विराजमान हो तो उस वक्त नज़ारा ऐसा ही होना चाहिए जैसे त्रेता युग में देखने को मिला था। त्रेता युग वाली अयोध्या बनाने के लिए प्रभु श्री राम के चरित्र और उनके आचरण को देश विदेश में प्रचारित प्रसारित करने की दिशा में सरकार ने बड़ा फैसला किया है। धर्मनगरी अयोध्या और श्री राम को वैश्विक आस्था के केंद्र के तौर पर प्रचारित प्रसारित करने के लिए अवधपुरी में देश विदेश के 18 से ज़्यादा रामलीला स्वरूपों का मंचन हो रहा है। इसके अलावा कई सांस्कृतिक पारंपरिक लोक कला और आध्यात्मिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा की शोभा बढ़ाने के लिए 22 जनवरी तक रामलीला प्रारूपों का मंचन होगा जिसकी शुरुआत 15 जनवरी से हो गई है। योगी सरकार इस समारोह को अलौकिक बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। सरकार इस आयोजन के जरिए वर्तमान के साथ ही भावी पीढ़ी समेत अयोध्या आने वाले पर्यटकों श्रद्धालुओं को श्री राम के आदर्शों और मूल्यों से अवगत कराने का प्रयास कर रही है। रामोत्सव के लिए नेपाल, कंबोडिया, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड, इंडोनेशिया आदि देशों के रामलीला मंडलियों के कलाकारों को आमंत्रित किया गया है। साथ ही महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, कर्नाटक, सिक्किम, केरल, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और चंडीगढ़ की मंडली भी श्री राम के जीवन पर आधारित विभिन्न प्रसंगों की प्रस्तुतियाँ देंगी। अयोध्या में होने वाले कार्यक्रमों में उन लोक परंपराओं को भी तरजीह दी जा रही है जिन लोक परंपराओं ने समाज में प्रभु श्री राम के आदर्शों को अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से जीवंत बनाए रखा है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु अयोध्या की यात्रा करेंगे। ऐसे में उन्हें अयोध्या के खोए वैभव की छवि दिखाने और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए यहां आने वाले श्रद्धालुओं को तीर्थ स्थलों के दर्शन के साथ ही यहां की समृद्ध विरासत को दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। श्रद्धालुओं को अयोध्या और फैजाबाद के हर एक चौक चौराहे से प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को दिखाने के लिए बड़े बड़े स्क्रीन लगाए गए हैं। वहीं समूचे देश के करीब 5 लाख मंदिरों में भी स्क्रीन लगाकर इस भव्य कार्यक्रम की लाइव स्ट्रीमिंग होगी जिससे प्राण प्रतिष्ठा का भव्य और ऐतिहासिक कार्यक्रम गांव-गांव गली-गली में देखा जा सके। प्राण प्रतिष्ठा को आम आदमी से जोड़ने के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र लोगों से अपील कर रहा है कि हर सनातनी अपने अपने घर के बाहर चौखट पर कम से कम 5 दीपक जरूर जलाए। अयोध्या को कुछ वैसा ही सजाया जाएगा जैसे कि वो श्री राम के राज्याभिषेक पर सजी थी जब त्रेता युग में रावण का वध करके भगवान श्री राम अयोध्या वापस आए थे। तो ये थी हमारी खास पेशकश। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। दीजिए विदा। नमस्कार।